हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक चांदवांग एपिसोड शेयर कर रही थी, और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो जियांग चैन है और सी चैन है, वो दोनों अनाथ आश्रम जाने वाले थे। तो हमारी जो लूसी है और म्यान म्यान है, वो कहते हैं कि हम भी चलेंगे क्योंकि बच्चों से हम भी मिल लेंगे बोलते हैं। तो ये चारों के चारों चले जाते हैं अनाथ आश्रम। तो अनाथ आश्रम में दिखाया जाता है कि बच्चे जो थे वो खेल रहे थे। तो वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं तो बच्चों के लिए कपड़े लेकर गए थे, खाना लेकर गए थे, खिलौने लेकर गए थे। तो सारे बच्चों में ये लोग देने लगते हैं कपड़े, खिलौने, खाना, सब कुछ। और बच्चे मस्ती भी कर रहे थे, खुश भी हो रहे थे नई नई चीज़ें देखकर। तो वहाँ पर हमारे जियांगचैन की नज़र जाती है एक बच्चे पर, जो ना चुपचाप बैठा हुआ था, मतलब किसी से बात नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था। तो हमारा जो जियांगचैन है वो जाता है उसके पास और कहता है कि हेलो बेबी, आप क्या कर रहे हो बोलता है। तो ना वो बच्चा जो है, जैसे ही जियांगचैन को देखता है, अब वो ना मतलब मदर कहकर ना जियांगचैन की तरफ जाता है और ना जियांगचैन के पैरों को हक कर लेता है और कहता है कि मदर 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 बोल रहा था ऐसे। तो हमारा जियांगचैन शॉक्ड, और हमारे जो सीचैन है ना, वो देख रहे थे ये सब। तो सीचैन के फेस पर ना एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि वो बच्चा जो था वो 3 साल का था और मम्मा मम्मा कर रहा था जियांगचैन को हक कर कर। तो हमारा जो जियांगचैन है वो बेबी को गोद में ले लेता है और कहता है कि आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं हो। तो हमारा जो जो बेबी है, वो छोटा बच्चा, वो बोलता है कि मम्मा आप कहाँ चले गए थे बोलता है। तो ना हमारा जियांगचैन कहता है कि बेबी मैं आपका मम्मा नहीं हूँ बोलता है। तो ना वो बेबी ना सैड सा फेस बना लेता है और कहता है कि आप मेरे मम्मा हो बोलता है। तो ना हमारे जो सीचैन है वो बोलता है कि हाँ तुम इसके मम्मा हो और मैं इसके पापा हूँ, मतलब इसका पापा हूँ बोलते हैं। तो ना जो बच्चा है जियांगचैन की गोद में था, वो सीचैन की गोद में चला जाता है और कहता है कि सच्ची आप मेरे पापा हो बोलता है। तो ना वो जो मतलब हमारा जो जियांगचैन था, वो बोलता है कि मुझे मम्मा बना दिया सीचैन। तो हमारे सीचैन बोलता है कि हाँ तुम्हें मम्मा ही तो बोलेगा, हम इसे गोद लेने वाले हैं बोलते हैं सीचैन। तो जियांगचैन कहता है कि हाँ मुझे भी ये बच्चा पसंद है बोलते हैं। तो ये दोनों से बात करते हैं और वहाँ पर जाते हैं, एक लेडी होती हैं उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस बेबी को गोद लेना है बोलते हैं। तो वो लेडी जो है वो बोलते हैं कि ठीक है सर बोलती हैं, और ना बाकी फॉर्मेलिटी सब पूरी करवाने लगती हैं। और ऐसे मतलब अभी दोपहर का वक्त हो गया था, तो हमारा जो मतलब वो बेबी है, मतलब जियांगचैन से चिपकाई हुआ था, तो जियांगचैन ना उसे खाना खिला रहा था और कहता है कि बेबी आप मुझे डाडा बुलाओ ना, मम्मा मत बुलाओ ना। तो वो बेबी बोलता है कि नहीं मम्मा बोलता है। तो अरे सीचैन ना हंस रहे थे जियांगचैन के ऊपर कि देखो देखो कभी भी जाता है कि तुम उसको मम्मा होने वाले हो। तो अरे जिस सीचैन है ऐसा कहते हैं, तो हमारा जियांगचैन गुस्से से देखता है उनकी तरफ। तो सीचैन कहते हैं कि हाँ हाँ गुस्सा कर लो, लेकिन मम्मा ही बोलेगा तुम्हें। तो ऐसा सीन चल रहा था वहाँ पर। बट इधर दूसरी तरफ हमारी जो लूसी है और म्यान म्यान है, वो दोनों बच्चे के साथ खेल रहे थे, मतलब बच्चों के साथ खेल रहे थे, बाकी बच्चों के साथ। तो हमारी जो म्यान म्यान है वो बोलती है कि लूसी हम वो बेबी को गोद ले ले। तो हमारी लूसी कहती है कि उस बच्चे को वो कितनी नटखट है, मतलब सब पर बच्चों को परेशान कर रही है। तो मतलब हमारी म्यान म्यान कहती है कि मुझे तो यही पसंद है, यही बच्चा ही मुझे पसंद है। तो हमारी जो म्यान म्यान है उसके पास जाती है और कहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे घर चलोगे। तो वो बेबी कहते हैं कि क्यों बोलती है। तो ना म्यान म्यान कहते हैं कि हम आपको ना मतलब आपके दादू से मिलाएंगे, अंकल आंटी से मिलाएंगे, और आपको खाना खिलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, मतलब सारी चीज़ें आपको जो जो चाहिए वो सब देंगे, आप हमारे साथ चलोगे और आपसे बहुत प्यार भी करेंगे बोलती है। तो ना हमारी जो लूसी है ना,
वो म्यान म्यान की ऐसी बातें सुनकर ना बहुत खुश हो गई थी, और वो कहते हैं कि हाँ हाँ ले लेंगे गोद, बोलते हैं, और उस बेबी को गोद में उठा लेती है लूसी और कहती है कि बेबी आप लिटिल गर्ल हो ना, आप बहुत तंग करते हो बाकियों को, ऐसा तो तंग हमें नहीं करोगे ना। तो वो बेबी बोलते हैं मैं तो करूँगी, बोलती है। तो ना लूसी कहती है कि कर लेना, बोलती है। उसके बाद ना वो लोग भी जाते हैं, बात करते हैं, उसके बाद ना फॉर्मेलिटी सारी पूरी होती है। और इधर घर में मतलब सब लोग सारी तैयारियां कर रहे थे, लैन हाउस में सारी तैयारियां चल रही थी। अंकल कुरियन तो बहुत खुश थे कि बच्चे आने वाले हैं, मतलब दो बच्चे गोद लिए गए हैं, एक लूसी ने लिया है, एक सिचन ने लिया है करके वो बहुत खुश थे। और वो लोग ना सारी तैयारियां कर चुके थे, बच्चों का रूम डेकोरेट हो चुका था, खिलौने आ चुके थे, बच्चे के कपड़े आ चुके थे, सब कुछ आ चुका था। और दोनों ही बेबी 3 साल के थे। तो ऐसा है, तो जैसे ही बच्चे आते हैं ना घर में, घर को देखकर तो वो सा और कहते हैं कि मम्मा मम्मा ये हमारा घर है। तो मतलब लूसी और म्यान म्यान उस लिटिल गर्ल को कहते हैं कि हाँ हाँ ये आपका घर है, और हमारे सिचेन कहते हैं कि हाँ बेबी ये हमारा घर है, बोलते हैं। इसके बाद ना वो लोग अंदर आते हैं घर के अंदर, तो अंकल जाकर ना उस दोनों बेबी को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं ना आपका दादाजी हूँ, मतलब ग्रैंडपा हूँ, और आप लोग मुझे ग्रैंडपा बुलाना, हाँ, बोलते हैं। तो ना बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमारे पास भी ग्रैंडपा हैं करके, और कहते हैं कि यस ग्रैंडपा, बोलते हैं। उसके बाद ना बच्चों को वहाँ पर मतलब मिठाई खिला रहे थे कुरैन, और वहाँ पर हमारे लैंसन और विंग आते हैं और कहते हैं कि हम ना आपके अंकल्स हैं। तो वो बच्चे कहते हैं कि अंकल, बोलते हैं। और ना हमारे लैंसन और विंग कहते हैं कि हम ना आप दोनों के लिए गिफ्ट लाए हैं, बोलते हैं। और दोनों बच्चों को ना चॉकलेट देते हैं दोनों, और मतलब गर्ल के लिए ना मतलब टेडी देते हैं, और जो बॉय बेबी था उसके लिए तो ट्रेन लेकर आए थे खेलने वाला, वो देते हैं। और वो दोनों बच्चे ना बहुत खुश। और हमारे कुरियन कहते हैं कि मैं ना मतलब इसका नाम मतलब बेबी का नाम बेबी बॉय का नाम जिंगही, जिंगही, तुम्हारा नाम जिंगही होगा हाँ बेबी, मतलब वो ऐसा बोलते हैं। तो अब वो बच्चा कहता है कि जिंगी मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, बोलता है। तो अब वो जो बेबी गर्ल थी वो बोलते हैं कि मुझे क्या बुलाओगे। तो वो कहते हैं कि आपको ना क्या बुलाएं, क्या बुलाएं, आपको कौन सा नाम पसंद है। तो वो कहते हैं कि सब लोग तो मुझे लीसा लीसा कहकर बुलाते हैं। तो अंकल कहते हैं कि तो आपको ये नाम पसंद है। तो वो बेबी कहते हैं कि हाँ पसंद है, बोलते हैं। तो आपका नाम ना लीसा है अब से, बोलते हैं। तो लीसा भी खुश, और वहाँ पर बच्चों का नामकरण भी हो गया था, उनका इंट्रोडक्शन भी हो गया था, सब हो गया था। और ऐसे धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, और हमारा जो विंग है वो लैंसन का चेकअप करवाता था, सब कुछ करवाता था। और ऐसे ही दिन जा रहे थे जा रहे थे, और दिखाया जाता है कि हमारे लैंसन का ना मतलब अभी 3 मंथ कंप्लीट हो गया था, अभी 4 मंथ चल रहा था। तो बच्चे कहते हैं कि अंकल आप ऐसे मतलब गोलू मोलू से क्यों दिख रहे हो। तो ना हमारा लैंसन स्माइल करता है और वो कहता है कि आपका भाई या बहन आने वाला है, इसीलिए मैं गोलू मोलू होता जा रहा हूँ, बोलता है। तो बच्चे कहते हैं सच्ची हमारा भाई या बहन आएगी। तो हमारा लैंसन कहता है कि सच्ची, बोलता है। तो ना बच्चे जो है वो खुश हो जाते हैं। उसके बाद ना हमारे जो लैंसन और विंग का बेडरूम का सीन दिखाया जाता है, बेडरूम में थे। तो हमारा जो लैंसन है वो ना कहता है कि विंग मेरे पास आओ, ये रात का टाइम था। तो विंग आता है, तो हमारा लैंसन ना उसको किस करने लगता है। तो हमारा विंग ना उसको रोकता है और कहता है कि लैंसन क्या कर रहे हो। तो लैंसन कहता है कि तुमसे प्यार कर रहा हूँ, बोलता है। तो ना
हमारा बहन कहता कि लेकिन तुम तो प्रेग्नेंट हो, तो हमारा जो मतलब लहसन है वो बोलता है कि तो क्या हुआ बोलता है, तो हमारा बहन कहता कि इस हालत में ये सब, तो हमारा लहसन कहता कि मैंने पूछा है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा और बेबी इससे हेल्दी होगा बोलता है। तो वो ना हमारा बहन तो खुश क्योंकि उसे उसका लहसन जो मिलने वाला है, तो और हमारा लहसन कहता है लेकिन ना संभल के सब कुछ करना और मतलब होश तो बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि नहीं नहीं बाबा, तुम्हारे साथ कभी फोर्स नहीं करूँगा, एक बार गलती कर चुका हूँ और नहीं करूँगा बोलता है। उसके बाद हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है और कल हमारे लहसन और विंग का रोमांस देखने को मिलेगा। और हाँ, आपको सीचैन और जियांगचैन का भी रोमांस देखना है क्या? तो आप कमेंट में बता देना, आपको देखना हुआ तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, सिर्फ विंग और लैंसर का ही करूंगी। हमारे सीचैन और जियांगचैन और लूसी और म्यान म्यान, इन चारों की लाइफ में तो मतलब बच्चे आ चुके हैं, लेकिन हमारे मतलब लहसन और विंग के लाइफ में आने तो बाकी है बच्चा। तो सुनेंगे कि आगे क्या होगा। और बेबी तो बहुत खुश है यहाँ आकर, जब उनका भाई या बहन आएगी तो कितने खुश होंगे। तो आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना कि आपको सिचैन और जियांगचैन का स्वीट मोमेंट चाहिए कि नहीं। और हाँ, आप मेरे साथ अगर बात करना चाहते हो मतलब चैट पर, या फिर मतलब बात ही करना चाहते हो, चैट करना चाहते हो या फिर बात करना चाहते हो, तो मैं ना एक लिंक दे दूंगी एक ऐप का, वहाँ पर आप ऐप को डाउनलोड कर लेना और ज्वाइन कर लेना, तो आप मेरे साथ चैट कर पाओगी या फिर बात कर पाओगी। और इतना ही कहना था। ओके बाय।